हम हारने वाले लोग नहीं है, हम लड़ेंगे और जीतेंगे से जो भी मैदान हो। तो कल हमने लड़ा और जीता, ये भी आपको याद रखना जरूरी है। हेलो फ्रेंड्स, और एक नया वीडियो में आप लोग का स्वागत है। आप जानते हैं FIH हॉकी प्रो लीग चल रहा है और आज अप्रैल 3 तारीख है, आज खेला जाएगा 2 मैच। तो कल की जो 2 मैच के रिजल्ट के बारे में भी बताऊंगा, तो चलिए आज जो मैच होगा उसी के बारे में डिटेल्स में पता करते हैं। आज जो मैच होगा, कितने बजे मैच होगा, कौन कौन सा टीम मैच खेलने के लिए मैदान में उतरेंगे, कहाँ कहाँ पर ये मैच होने वाला है, सारे सब कुछ डिटेल में आपको बताऊंगा इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो में आगे। तो आप लोग हॉकी प्रेमी हैं, आप लोग जानते हैं कल 2 मैच हुआ। एक इंडिया की ओडिशा का कलिंगा स्टेडियम में एक मैच हुआ इंडिया और इंग्लैंड के बीच, दूसरा मैच हुआ नीदरलैंड और यूएसए के बीच। उसी के रिजल्ट के बारे में पहले बता देता हूँ। तो कल इंडिया ने शूट आउट में 3-2 गोल से इंग्लैंड को हरा दिया था और दूसरा मैच नीदरलैंड और यूएसए के बीच जो मैच हुआ उसमें से नीदरलैंड ने 3-0 गोल से यूएसए को हरा दिया था। तो ये कल की जो रिजल्ट के बारे में बता दिया। तो आज 3 अप्रैल है, आज खेला जाएगा 2 मैच। तो आप लोग हॉकी प्रेमी हैं, आप लोग जानते हैं ये FIH हॉकी प्रो अब तक कुछ मैच हो चुका है और कुछ मैच होने वाला है। तो आज होगा 2 मैच, वही इंडिया और इंग्लैंड के बीच। पहला मैच होगा शाम के 7:30 बजे इंडिया की ओडिशा में जो कलिंग स्टेडियम है वहीं पर खेला जाएगा ये मैच। इंडिया और इंग्लैंड टीम कलिंग स्टेडियम के हॉकी ग्राउंड में मैच खेलने के लिए मैदान में उतरेंगे। तो आज का दूसरा मैच होगा नीदरलैंड्स वर्सेस यूएसए के बीच और ये शाम के 8 बजे खेला जाएगा मैच, एम्स्टेलविन में ये मैच होने वाला है। तो आज जो 2 मैच होगा, एक एक माछा मैच होगा, ऐसे ही हम आशा कर सकते हैं। तो हॉकी में कुछ प्रेडिक्ट पहले से करना उचित नहीं होगा, क्योंकि हॉकी एक ऐसा खेल है जो अंतिम क्षण में भी पलट सकता है। जो हारने वाला टीम होता है वो जीत सकता है और जीतने वाला टीम भी हार सकता है। तो आज जो 2 मैच होगा, एक एक अच्छा मैच होगा, ऐसे हम आशा कर सकते हैं। तो ये सूचना थी, मुझे लगा आप लोग हॉकी प्रेमी है, आपके साथ भी ये खबर शेयर करना ज़रूरी है। आज संडे की वक्त है तो हम भी हॉकी के लुत्फ़ उठाएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर से और एक नया वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूँगा। तब तक के लिए बाय बाय।